नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा पंचम में विषय गणित में प्रश्नावली दो का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली दो में अब तक हम 10 सवाल कर चुके हैं, आज हम 11वां सवाल करने जा रहे हैं। 11वें सवाल में यह लिखा हुआ है, श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपए में एवं एक पलंग 2,624 रुपए में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि श्याम ने दो सामान खरीदे हैं, एक अलमारी खरीदी है, एक पलंग खरीदा है, तो उन दोनों को खरीदने में उसका जितना पैसा खर्च हुआ है वो हमें बताना है। तो कैसे बताना है, तो यहाँ पूछा है कुल कितने रुपए खर्च किए। इसका मतलब दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, हमें दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, हल में हमने यहाँ पर लिखा है श्याम ने एक अलमारी खरीदी, कितने में खरीदी थी, 6,580 रुपए में। श्याम ने एक पलंग खरीदा 2,624 रुपए में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों राशियों को जोड़ देंगे। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल खर्च किए तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो में चार जोड़े तो चार, आठ और दो दस की जीरो, हासिल का एक, छह और पांच ग्यारह और एक बारह का दो, हासिल का एक, दो और छह आठ और एक नौ, यानी कि श्याम ने कुल 9,204 रुपए खर्च किए। इसी में आगे हम 12वां सवाल देखते हैं। 12वें सवाल में लिखा हुआ है, रामा ने एक मेज 3,450 रुपए में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। खरीदने वाली दो बहने हैं रमा और राधा। रमा ने एक जगह से मेज खरीदी तो उसके 3,450 रुपए में आई, और राधा ने जो मेज खरीदी वो उसकी 2,960 रुपए में आई। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से किसने, दोनों ने जो मेज खरीदी उनके मूल्यों में कितना अंतर है, अर्थात दोनों में से किसने सबसे अधिक कीमत में मेज खरीदी और कितने रुपए अधिक का अंतर था। तो यहाँ पर हल में देखा, रमा ने एक मेज खरीदी 3,450 रुपए में और राधा ने एक मेज खरीदी 2,960 रुपए में, तो दोनों मेजों के मूल्य में कितना अंतर है, इसको बताने के लिए हमने यह काहे का निशान लगाएंगे, माइनस का, यानी कि घटाओ का। अब हम घटाना शुरू करेंगे, जीरो में से जीरो गए तो जीरो। अब हम यहाँ देख रहे हैं नीचे छह है और ऊपर पांच है, तो छह में से पांच में से छह नहीं जा सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आगे वाली संख्या से एक हासिल उधार लेंगे। तो यहाँ लेते हैं, यहाँ कितने हो गए, पंद्रह। पंद्रह में से छह गए तो कितने शेष बचे हमारे पास, नौ। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पहले चार थे, एक हासिल दे देने के कारण यहाँ पर कितने रह गए, तीन। अब यहाँ तीन है और नीचे नौ है, तो तीन में से नौ को हम नहीं घटा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या से एक हासिल उधार लेंगे। तो यहाँ कितने हो गए, तेरह, और तेरह में से नौ गए तो शेष कितने रहे, चार। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक हासिल इधर ले ली थी, तो यहाँ कितने शेष रह गए थे, दो, और दो में से दो घटाए तो कितने बचे, जीरो। यानी कि दोनों मेजों के मूल्य में अंतर जो आया वो आया हमारे 490 रुपए का। यानी कि रमा ने राधा की अपेक्षा 490 रुपए अधिक कीमत में मेज खरीदी। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास है तेरहवें नंबर का सवाल। तेरहवें नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चार अंकों की सबसे बड़ी, तो आप जानते हैं हमने पहले भी पिछली कक्षा में भी ये सीखा था कि जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है हमें और जितने अंकों की लिखने के लिए कहा जाता है, हम उतनी बार क्या करते हैं, नौ लिख देते हैं। कितने लिख देते हैं, नौ लिख देते हैं। और इसी तरह से यहाँ हमसे पूछा गया, भाई चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने नौ को कितनी बार लिख दिया, एक दो तीन और
चार बार, यानी कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास 9999, 9999, ठीक है। अब फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि चार अंकों की ही सबसे छोटी संख्या, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने का भी हमने फार्मूला देखा था, आगे एक लिख करके और उसके पीछे हम गिनती के जीरो लगा देते हैं ताकि वह संख्या उस अंक के बराबर हो जाए जितनी बार हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया 1000, इकाई ढाई सैकड़ा और हजार, 999 में जब एक जोड़ते हैं तो वह चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर 1000 हो गए, तो यानी कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, ठीक है। अब दोनों का क्या क्या ज्ञात करना था हमें, योगफल ज्ञात करना था। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ा दो, जीरो में नौ जोड़ा तो नौ, जीरो में नौ जोड़ा तो नौ, जीरो में नौ जोड़ा तो नौ, और नौ में एक जोड़ा तो 10। आगे हम सवाल देख रहे हैं 14वें नंबर का। 14वें नंबर के सवाल में हम देखेंगे, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, एक परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 198 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब हमें यह क्या ज्ञात करना है कि एक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो थी 264। अब इसमें से कितने पास हो गए, इसमें से पास हो गए 194 छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि कितने छात्र फेल हुए। तो यहाँ अब हम हल करके देख रहे हैं, हल में यह लिखा हुआ है परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या, कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, 264 छात्र सम्मिलित हुए थे, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी, 194। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई हमें अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी है, तो सम्मिलित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने किसका निशान लगाया, माइनस का, क्योंकि ये पूछा है ना कि भाई कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ हम घटाएंगे, यहाँ देखेंगे नीचे चार है और ऊपर भी चार है, तो चार में से चार गए तो जीरो, नीचे नौ है और ऊपर छह है, तो हम जानते हैं कि छह में से नौ को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए आगे वाली संख्या से हम एक हासिल ले लेते हैं। तो हमने एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, सोलह, सोलह में से नौ घटाए तो कितने शेष रह गए, सात। यहाँ हमने एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ दो के स्थान पर कितना रह गया था, एक, और एक में से एक घटाया तो कितना शेष रह गया, जीरो। इसलिए अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारी कितनी आई, 70। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।